आज हम बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुष बाष्पण के बारे में बात करने वाले हैं। तो पुरुष बाष्पण को चेक करने के लिए एक बेसिक टेस्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु जांच या नॉर्मल सीमेन एनालिसिस। अब इसमें हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं स्पर्म काउंट यानी टोटल स्पर्म काउंट क्या है, देन सेकेंडली हम चेक करते हैं स्पर्म की मोर्टेलिटी, देन थर्ड हम चेक करते हैं स्पर्म की मॉर्फोलॉजी एंड देन फोर्थ इज वाइटैलिटी यानी कितने जीवित स्पर्म है हमारे सैंपल में। तो इसके लिए WHO ने एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि एक नॉर्मल पेशेंट में 16 मिलियन पर एमएल काउंट होना चाहिए, स्पर्म काउंट होना चाहिए, और 42% स्पर्म मोर्टेलिटी होनी चाहिए, एंड देन 4% स्पर्म की मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए, एंड मोर देन 54% स्पर्म की वाइटैलिटी होनी चाहिए यानी जीवित स्पर्म होने चाहिए। तो ये एज पर WHO क्राइटेरिया हम डिसाइड करते हैं कि कोई पेशेंट नॉर्मल है, या फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि अब नॉर्मल है या इनफर्टिलिटी उस पेशेंट में है कि नहीं।